एवरीवन, बॉलीवुड में आने वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, एनिमल का टीजर रिलीज हो गई है। रणवीर कपूर, रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल। दोस्तों, 2 मिनट 14 सेकंड का ये टीजर है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे टीजर कैसी है। अगर वन वर्ड में अगर इस टीजर का मैं रिव्यू करूँ ना, सर दर्द पकाओ बंडल घटिया वाहिया टीजर। ये था रणवीर कपूर का बर्थडे का टीजर। क्या है भाई, संदीप रेड्डी वांगा, इन्होंने कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्म बनाई है भाई। एक अलग ही आशिक का लेवल दिया शाहिद कपूर को, विजय देवराकोंडा को। लेकिन दोस्तों, रियली बोल रहा हूँ यार, एनिमल का टीजर देखा ना, वैसे लग रहा है कि यार मैं टीजर देख रहा हूँ या कुछ और देख रहा हूँ। कोई गुजबम्स सीन्स नहीं है भाई। लिटरली अनिल कपूर का क्या चिल्ला रहा हूँ, मेरे को यार अनिल कपूर का वो वाला याद आ गया यार, जो अनिल कपूर रेस 3 वाला, रियली रेस 3 का अनिल कपूर याद आ गया। अच्छा हुआ बॉबी देओल नहीं आए, नहीं तो वो भी रेस 3 का बॉबी देओल दिखते हैं। रणवीर कपूर का लुक्स मानो मैं, वो दाढ़ी वाला था ना, वो सही था। जैसे वो टीजर स्टार्ट होता है, रश्मिका मंदाना और रणवीर कपूर आपस में बात करते रहते हैं, उसके बाद वो अपने बाप की स्टोरी बताते हैं। अरे भाई मेरे, ये टीजर है, अरे टीजर बोले तो यार गूज़बम्प्स होना चाहिए। इसका अच्छा जो तो प्रीव्यू टीजर जो रिलीज हुआ था, इसका वो दमदार था यार, मज़ा नहीं आया यार, मुझे यार भरोसा उठ गया इस पिक्चर से। लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि इस बार फिर से रणवीर कपूर का डिजास्टर फ्लॉप होना तय है, शमशेरा के जैसा यार। है ही नहीं मज़ा यार, ना BGM अच्छा है, ना BGM में मज़ा है, कुछ है ही नहीं यार, सर दर्द हो गया भाई, रियली बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे बकवास लगा टीजर। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।